झारखंड में एक बार फिर से सियासी उथल पुथल जारी है। इस बीच चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का दामन थामते हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक लोबिन हेमरम भी बीजेपी का दामन आज थाम लिए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर संताल और कुल्हान में कितना असर देखने को मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अमर जी, जिस तरीके से कुल्हान और संताल की बात करेंगे तो बीजेपी की पकड़ जो है उतनी मजबूत नहीं थी, तो चंपई सोरेन और लोबिन हेमरम के आने से क्या लगता है कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कितना असर देखने को मिलेगा? हम लोग मजबूत हैं, कुल्हान में भी मजबूत है, हम लोग संताल परिणाम में भी मजबूत है। चुनाव समय में कभी हारा भी जाता है, कभी जीता भी जाता है, वो प्रक्रिया का विषय है, लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े हैं, तभी तो लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। हम लोग कुल मिलाकर के झारखंड के लोगों को मजबूत करना है, और झारखंड के जो विषय हैं विशेष करके अभी जो बहुत समकालीन विषय है वो है बांग्लादेशी घुसपैठ, और बांग्लादेशी घुसपैठ से इससे झारखंड को बचाना है और यहाँ के डेमोग्राफी को भी ठीक करना है, यहाँ के आदिवासी अस्मिता को भी बचाना है, इसलिए सब लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये बोलता हुआ नजर आ रहा है, उनका कहना है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं ताकि जनता को आप लोग बरगला सके। आज इस मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देशन दिया है, लगातार निर्देशन दे रहे हैं जी, बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल परगना डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आज फिर बांग्ला माननीय न्यायालय का एक पीआईएल के सुनवाई में एक वर्डिक्ट आया है, एक निर्देशन आया है कि धर्मांतरण जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण बढ़ रहा है। तो दोनों ही को आप समझ लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, जिसको आप खारिज करते हैं कि भाई सिर्फ राजनीति करती है, लेकिन आज जब स्वयं उच्च न्यायालय जब ये विषयों को करता है तो एक राज्य सरकार होने के नाते, एक संवैधानिक व्यवस्था होने के नाते आपको उस राज्य सरकार को उस कोर्ट का विषय को मानना चाहिए, और उनका कम से हमारा नहीं विषय मान रहे हैं तो कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के विषयों को तो सम्मान करिए और एक्ट कीजिए। अच्छा अमर जी, अगर हम कुल्हान की बात करेंगे तो 14 सीटें हैं, 2019 के आंकड़ों को अगर हम ध्यान दें तो बीजेपी ने वहां पर कमल नहीं खिलाया था, लेकिन इस बार क्या परिणाम में बदलाव होगा, क्योंकि चंपई सोरेन जो कुल्हान के टाइगर कहा जाता है उन्हें, तो क्या इस बार परिणाम में कुछ बदलाव हो सकता है वहाँ? एक समय हमारे पास 8 से 10 सीटें थी कुल्हान में, इस बार नहीं थी, इस बार वापस 14 में वापस आएंगे और फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके जनता की सरकार बनाकर जनता के लिए काम करेंगे, 100% काम करेंगे, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है संथाल को, तो क्या इस बार ढहाने में आप लोग पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं क्या उसे? वो तो ढह चुका है और उसका झलक जो है आपको इस विधानसभा के चुनाव में दिखेगा, जो उनका गढ़ जो है ढह चुका है। वो गढ़ एक आडंबर मात्र था, परिवारवाद की राजनीति को, वंशवाद की राजनीति को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक आवरण बना के रखा था, छद्म आवरण, कि भई हम आदिवासी कल्याण के लिए आदिवासियों के हित से बन करके हम झारखंड का नवनिर्माण करेंगे, लेकिन हकीकत में एक दीमक की तरह पूरे आदिवासी अस्मिता को जो बांग्लादेशी घुसपैठ और कई नीतिगत फैसले उनके, जिसमें कल भी आपने देखा होगा कैबिनेट ने कहा है कि भई जो मस्जिदें हैं अब सरकार उसका अधिग्रहण नहीं करेगी, एक दान पत्र देखिए, इसका मतलब क्या है कि भाई अब कब्रिस्तानों के जो अवैध कब्रिस्तान हैं उनको लीगलाइज करने का एक तरीका इन लोगों ने निकाला है, और ये सबसे ज़्यादा SPT के ज़मीनों पर है, SCNT के ज़मीनों पर है, उससे कैसे इनको ठीक किया जाए, तो सारा जो विषय है आप देखिएगा जो एक तुष्टिकरण की राजनीति का जो प्रकाष्ठा है उसको ही दे सकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, हिमंता बिश्वा सरमा पर कई आरोप जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि जहां जहां हिमंता बिश्वा सरमा जो राज्य जाते हैं वहां दूसरे दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आते हैं, और यही वजह है कि झारखंड में उन्हें लाया गया है ताकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को तोड़ सके। देखिए, आपका बेटा है और बेटा यदि बाप को छोड़ रहा है तो इसको समझना चाहिए बाप की कोई गलती होगी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बात को रखेगी। इसके साथ ही इनका यही कहना था कि अब संथाल और कुल्हान में वो मजबूती मिलेगी, साथ ही इनका ये भी कहना था कि पहले से ही कुल्हान में 2019 से पहले 8 से 9 विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार कुल्हान में कमल खिलकर रहेगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।